मुझे किन्नर बोल लो, हिजड़ा बोल लो, छक्का बोल दो, मौगा बोल दो, लौंडा बोल दो, आई हैव अ गट्स देन आई कैन फेस यू। बट मेरी माँ वो नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपका बेटा तो लौंडा है, आपका बेटा तो हिजड़ा है। नहीं, मेरी माँ हिजड़ा नहीं है, मेरी माँ एक महिला है, मेरी माँ सिर्फ एक माँ है, सिर्फ एक माँ। मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, हर जगह एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलता था, अच्छा आप लड़का हो कि लड़की हो, अच्छा आप एक बात बताओ, आप तो बाल बढ़ाए हुए हो, आप तो देखने में लड़की लग रहे हो, अच्छा आप बताइए आपका मूछ नहीं आता है क्या, अच्छा आप बताइए आपके पास क्या है। किसी आदमी, एक सिंगल आदमी ने भी मुझे जॉब नहीं दिया था, एक दो जगह मैं नहीं घूमी थी। लड़के कहते थे अरे इधर आओ इधर आओ, मैं जाती थी तो उन कहते थे लड़की हो कि लड़का हो। सेम वाइस वर्सा लड़कियों के साथ भी था, लड़कियां कहती थी अच्छा तुम बताओ तुम लड़की हो कि लड़का हो। तो एक्चुअली जवाब मेरा यही रहता था कि नहीं हम तो लड़का हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तुमको लड़का ही बताया है तो मैं लड़का हूँ, ये बस पता था। पर लड़के जैसा फीलिंग कुछ था नहीं, मतलब आप समझ लो कि एक शरीर, एक गलत शरीर में मैं पैदा हुई थी और रूहानी तौर पर मैं शुरू से ही एक लड़की थी। मेरी शादी हो गई, अजब सा लगता होगा सुन करके ना कि किन्नर कैसे माँ बनेगी, तो मैं एक ही बात जानती हूँ कि कोई कोक से माँ नहीं बनता है, मातृत्व से लोग माँ बनते हैं। मेरा प्यार सच्चा है तो मैं सिंदूर डालूंगी, उसके बाद ही तुम जाओगे। मैं अपनी माँ के लिए हमेशा बेटा ही रहूँगी, बेटा बेटी सब, क्योंकि वो मेरी माँ है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूहानी तौर पर मैं एक महिला हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था वहाँ पर जा करके। भारत की पहली ट्रांसजेंडर काउंसलर बनी मैं भारत की पहली हिंदी मीडिया रिपोर्टर बनी। मैंने मेल टू फीमेल कराया था, तो अभी राइट नाउ बायोलॉजिकली भी मैं एक महिला हूँ। हमको कभी पीरियड्स नहीं होता है क्योंकि अभी मेरे पास यूट्रस नहीं है। यूट्रस ट्रांसप्लांट भी होता है, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है। हमारे साथ है अनुप्रिया जी, आइए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में कि एक ट्रांसजेंडर होते हुए भी उन्होंने किस किस मुश्किलों का सामना किया है और आज वो किस मुकाम पर हैं। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का, द एक्टिविस्ट पूरी जो चैनल हमारे पास आए हैं मेरी लाइफ कवर करने के लिए, उन सारे लोगों को तहे दिल से थैंक यू एंड जय भीम। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक ऐसे समुदाय को बिलोंग करती हूँ जो माइनॉरिटी है। नॉर्मल लड़की हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, पटना कंकड़बाग की रहने वाली हूँ, बॉर्न कोलकाता में हुई और यहीं पर मेरा पूरा पालन पोषण हुआ। मेरे पिताजी प्रधानाध्यापक थे राजकीय मध्य विद्यालय बड़ा अस्पताल से, वो रिटायर हुए। पापा की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी जब मैं छोटी थी, बट उसके बाद फिर जीवन जीने का जो नज़रिया मुझे मिला है शायद वो उस तब नहीं मिलता अगर मेरे पिता का साथ मेरे साथ होता। तो शुरुआत मैं बचपन से करना चाहूँगी। बचपन और बच्चों की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे बचपन बड़ा हुआ वैसे वैसे ये समझना शुरू कर दिया मैंने कि मैं कैसे और बच्चों से अलग थी। लाइक आप समझ जाओ कि एक बच्चा जो जिसके परिवार में ये कहा गया कि आप एक लड़के हो, आप एक बेटे हो, और आपके लिए सामाजिक जो अवधारणाएं बनाई गई हैं कि बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, तो बेटे जो काम करते हैं वो मेरे लिए बनाए गए थे, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कभी क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता था, मुझे कभी लड़कों के साथ खेलने का मन नहीं करता। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, अभी भी हैं, वो ज़्यादातर फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं। बचपन से ही उनके साथ एक अजब सा अपनापन लगता था, मुझे लगता था कि अरे कपड़ा ही तो अलग पहने हुए हैं, रूहानी तौर पर तो मैं एक लड़की ही हूँ। और ये सारी चीज़ें जब मैं बच्ची थी तो मुझे लगा कि चलो मैं बच्ची हूँ तो इसलिए फील हो रहे। परिवार वाले भी यही चीज़ सोचते थे कि अभी बच्चा है इसलिए इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहा है। बचकानी हरकतें कहने का मतलब है कि दीदी के कपड़े पहन लेना, कभी लिपस्टिक लगा लेना, मम्मी की साड़ी ट्राई करना, मेकअप अप्लाई करना, लड़कियों के गाने पर डांस करना। स्पेशली मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनके गाने तो मतलब माशाल्लाह, उस पर तो मैं पागल हो जाती थी, मैं सुनती थी। तो वो सारी चीज़ें थी। तो मुझे घर में काफ़ी मना किया गया, बोला गया कि इन सारी चीज़ों को करना गलत है, लड़के ऐसा नहीं करते हैं। शायद फैमिली का जो क्राइटेरिया होता है बेटा के लिए, तो वो आई थिंक मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होनी शुरू हुई वैसे वैसे मेरी परेशानियाँ भी बढ़ती गई, क्योंकि अब टाइम आ गया था स्कूल को लीव करने का और कॉलेज में जाने का। मैं बात कर रही हूँ मैट्रिक की,
मैट्रिक के टाइम में मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गया था और मैं बाल कटवाती नहीं थी, बहुत डांट खाती थी मेरे को, मतलब यहाँ तक मेरे बाल थे शोल्डर तक, और मतलब घर से इतना डांट पड़ता था क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो एक सिविलाइज सोसाइटी में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि बच्चा थोड़ा सा बाल बढ़ा दिया, अरे बच्चा है आपका तो बेटा लफुआ बन गया एंड ऑल दैट। हमारे मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही मतलब एक मैं कह सकती हूँ कि बिहारी सोच, जो पूर्ण रूप से गलत तो नहीं मैं कहूँगी क्योंकि मैं अभी बिहार की बेटी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रूढ़ीवादी सोच है वो मेरे माता पिता के पास भी थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं, उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की तब कि मैं क्यों बाल नहीं कटवाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि फैशन है, इसलिए क्योंकि मेरी रूहानी जो पहचान है वो इससे जुड़ी हुई थी। तो वहाँ से फिर बाल बांध करके कैप लगा करके स्कूल कंप्लीट हुआ, मैट्रिक कंप्लीट हुआ, फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर लड़कों का स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, टीचर्स का सेक्सुअल हरासमेंट शुरू हुआ। सुनने में बहुत अजब सा लगता है, मुझे भी बोलने में भी बहुत हंसी आ रहा है अंदर से, मतलब इट्स लाइक अ जोक ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मेरे लाइफ का जोक है वो एक तरह से कि मेरे साथ भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है। इस समय मैं इतनी सशक्त हो गई हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों से दूसरे को न्याय दिलाती थी, लेकिन अब मैं जब बात करी अपनी जर्नी की तो हाँ एक ऐसा वक्त था जब मुझे इन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं अकेली थी, मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लड़के कहते थे अरे इधर आओ, मैं जाती थी तो उन कहते थे लड़की हो कि लड़का हो, सेम वाइस वर्सा लड़कियों के साथ भी था, लड़कियाँ कहती थी अच्छा तुम बताओ तुम लड़की हो कि लड़का हो, तो एक्चुअली जवाब मेरा यही रहता था कि नहीं हम तो लड़का हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तुमको लड़का ही बताया है तो मैं लड़का हूँ, ये बस पता था, पर लड़की जैसा फीलिंग कुछ था नहीं। मतलब आप समझ लो कि एक गलत शरीर में मैं पैदा हुई थी और रूहानी तौर पे मैं शुरू से ही एक लड़की थी। उसके बाद फिर सबसे बड़ा मेजर पॉइंट तब आया जब मेरे पापा का निधन हुआ। मेरे पापा पैरालिसिस अटैक उनको हुआ था, साथ ही साथ वो हार्ट पेशेंट थे, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से पापा का निधन हुआ ड्यू टू द इन सारी चीज़ों की वजह से। तो जब पापा एक्सपायर हो गए तो पूरी घर की जिम्मेवारी मेरे सर पे आ गई, और उस परिस्थिति में मेरे सो कॉल्ड जो गोतिया होते हैं बिहार में, गोतिया, यस गोतिया जो होते हैं, उन लोगों ने गेम खेला एक्चुअली मेरे साथ और मेरी माँ के साथ, क्योंकि मैं अपने परिवार में अकेली हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना मेरा अपना कोई बहन, मतलब मेरी अपनी कोई बहन है। इन दैट टाइम मैं और मेरी माँ, मेरे पापा के जाने के बाद हम ही दोनों एक दूसरे के साथ थे। उस परिस्थिति में लोगों ने मेरे पिता के निधन के बाद जो कार्य होते हैं वो कार्य में इतना खर्च करवा दिया था, बहुत पैसा खर्च करवाया उन्होंने, कि ऐसा कंडीशन हो गया था कि उनके दिमाग में ये था कि अब ये लोग पैसा तो दे नहीं पाएंगे। हालांकि आपको पता है कि मेरे जो पिताजी थे वो थोड़ा दूसरे तरह के थे, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिता का जो स्वभाव था वो नहीं था कि पैसा अगर महीना में आ रहा है तो उसको कंज्यूम करें, नहीं, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही खुले मिजाज के थे। तो हम लोग शुरू से ही बहुत ही ऐश आराम में पले हैं, मतलब मुझे याद है मैं वाणिज्य जाती थी तो दिनकर चौक से उतर करके मुझे पापा बोलते थे कि रिक्शा पकड़ के ही जाना, पैदल मत जाना, कॉलेज में छाता लेकर के ही जाना, बस वाणिज्य पटना कॉलेज में है, पटना कॉलेज से अंदर पीछे वाणिज्य, उतना दूर जाने के लिए छाता लेके जाओ एकदम। तो उस नाज लाड प्यार में मैं पली बड़ी थी। तो पैसा तो वैसा कंज्यूम नहीं था हमारे पास, हाँ मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ मेरे लिए छोड़ के गए हैं तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर जब परेशानियाँ शुरू हुई तो पैसा था नहीं, अब पिताजी के काम होने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको बेचो, खेत वगैरह। तो उस परिस्थिति में फिर मैं हम लोग माँ बेटे जो हम लोग थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें क्या। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने किसी से कर्ज लिया, कुछ बुरे लोगों के बीच कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो मेरे जो यहाँ पटना हनुमान नगर में मैं रहती थी यहाँ पर के कुछ पड़ोसी थे वो लोग बहुत अच्छे थे, तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया उस परिस्थिति में, हमारे साथ बने रहे फाइनेंशियली, उन्होंने सपोर्ट किया हमें। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो पैसा का वो हो गया और खेत बच गया, लेकिन अब उनको भी पैसा देना था। मैंने बहुत जगह ट्राई किया जॉब के लिए, विद इन द क्वालिफिकेशन मेरा इंटर कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद भी हर जगह एक ही चीज़ सुनने के लिए मिलता था, अच्छा आप लड़का हो कि लड़की हो, अच्छा आप एक बात बताओ आप तो बाल बढ़ाए हुए हो, आप तो देखने में लड़की लग रहे हो, अच्छा आप बताइए आपका मूछ नहीं आता है क्या, अच्छा आप बताइए आपके पास क्या है, इस तरह का सवाल जिसका किसी भी जॉब प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं होता है, मेल फीमेल या किसी भी अदर जेंडर के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे वैकेंसी का जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछे जाते थे।
और ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे लोग नहीं पूछते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बट उन लोगों ने भी इस तरह के सवाल पूछे हैं। तो खैर, तो उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि शायद अब मुझे जॉब नहीं मिलेगा। तो प्रेशर बढ़ रहा था, पैसा देना था, घर का भी चलना, वो जो पापा के जाने के बाद जो 2 साल, क्योंकि पेंशन चालू होने में समय लग गया, मेरे पिताजी की 2 शादियाँ थी, तो सरकारी नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की 2 शादी है तो पहली पत्नी को कानूनी अधिकार है, दूसरी पत्नी के बच्चे को कानूनी अधिकार है। तो उस समय तो परिस्थिति ऐसा बन गया था कि पेंशन चालू हुआ नहीं था, पैसा का प्रेशर बढ़ा था कि घर चलेगा कहाँ से, कर्ज भी देना था। तो उसके बाद मैं मतलब इसी तरह परेशान थी, तो मेरी मुलाकात मेरी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फ्रेंड से हुई थी, वो मेरी फर्स्ट फ्रेंड थी। तो उसने मुझे बोला कि मतलब जान पहचान हुई, जान पहचान के बाद फिर बातचीत हुआ, तो मैंने उससे अपनी परेशानियाँ बताई। तो उसने बोला कितना पैसा देना है, मैंने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास। आई थिंक आज से 20-22 साल पहले, मतलब 20-22 साल नहीं हो रहा, 15 या 20 साल, हाँ इसी के आसपास की बात है। तो उस समय वो अमाउंट बहुत ज़्यादा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मैं कैसे कहाँ से क्या करूँगी। तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोला कि देख, हम तुम्हारे मदद कर सकते हैं, हम तुमको एक रास्ता बताएंगे अगर तुम करना चाहो तो। रास्ता गलत था तो हाँ, एक्चुअली बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था जब मैंने पूछा कि क्या, तो उसने मुझे बोला कि डांस करना आता है तुमको। तो हम बोले कि डांस करना तो मतलब मेरा हॉबी है, मतलब आई वुड लव टू डांस। तो फिर बोले कि तो ठीक है, हम तुमको अपने साथ जागरण में ले चलेंगे डांस करने के लिए। तो फिर मैं वहाँ से जागरण में गई, पहले दिन के काम में जागरण में। उसने बोला कि काम एक आदमी का है लेकिन जो पुरस्कार जो पड़ता है ना उस पे तुम चलो, कि तुम्हारे नसीब में तुमको जितना पैसा मिलेगा उस पे तुम चलो। हम बोले कि ऐसे काम आता है तो कितना मिलता है, तो बोले, तो वो हमको बताई थी कि उसका 2000 रुपया मिलता है। तो हम बोले 2000 रुपया, उस समय 2000 रुपया लाइक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। 100 रुपया रहता था उसमें हम पागल हो जाते कि अरे 100 रुपया पॉकेट खर्चे में, तब मेरा तो 4-5 दिन आराम से 6-7 दिन निकल जाए, 2000 की बात थी। तो हम कह के चलो चलते हैं, छूट मतलब छूट हम लोग कहते हैं पुरस्कार को, उस पे चलते हैं। फिर वहाँ पे गए तो फिर बहुत अच्छा खासा पुरस्कार मिला, मतलब इतना था कि आप जो अमाउंट में जाते हो उसका मतलब ट्रिपल, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आई डोंट नो पर 7-8 थाउजेंड के आसपास था। तो मतलब मेरे लिए तो मतलब पागल ही हो गए थे खुशी से कि अरे वाह। तो वो पैसा ला करके मैंने रखा, मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया था इन दैट टाइम। मम्मी पूछी कहाँ था ना आप, हम बोले मम्मी अपने फ्रेंड के पास थे, उसका बर्थडे था। फिर उसके बाद इस लाइन में मेरा इंटरेस्ट आया और मैंने सोच लिया कि मुझे अभी यही करना है। फिर मैंने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जिसके यहाँ मैं जागरण करने के लिए गई थी भैया ने मेरा नंबर दिया, नंबर लिया था मेरा काम देख करके, और उन्होंने खुद डायरेक्ट मुझे कॉल कर दिया और बोला कि उसको मत लाना, तुम अकेली आना। तो 6 लड़की थी जिनके साथ मुझे भी प्रोग्राम करना था, तो हम लोग प्रोग्राम, फिर वहाँ से मेरा एक अलग लाइफ शुरू हुआ प्रोग्राम करने का। विद इन 1 महीना, मतलब अप्रॉक्सीमेट 26-27 डेज था, मैंने 1K मतलब 1 लाख से एवं मैंने पैसा कमा लिया, और मैंने वो पैसा जिनका था उनको दे भी दिया। और उसके बाद मम्मी को बताया, तो मम्मी यही पूछी कि पैसा आया कहाँ, फिर मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। मैंने एक ही चीज़ समझाया कि देखो माँ, अब तुम देखती हो बचपन से कि मेरे साथ क्या परेशानी है, तुम मानो अथवा ना मानो, तुम्हारे लिए हम जिंदगी भर बेटा ही रहेंगे। आज भी मैं अपनी माँ को यही बोलती हूँ, मैं अपनी माँ के लिए हमेशा बेटा ही रहूँगी, बेटा बेटी सब, क्योंकि वो मेरी माँ है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूहानी तौर पे मैं एक महिला हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था वहाँ पर जा करके, मैंने अपने मेरा जो दायित्व था वो हम किए। हम बहुत कोशिश किए नॉर्मल जॉब करने का, हमको इज्जत का कहीं ना, हम 12,000 रुपया कमाते महीना में, हमको कोई दिक्कत नहीं था, 8,000 कमाते। लेकिन किसी आदमी, एक सिंगल आदमी ने भी मुझे जॉब नहीं दिया था, 1-2 जगह मैं नहीं घूमी थी। तो वहाँ से एक लाइफ शुरू हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन प्रोग्राम करने के बाद जब कुछ लोग हैं सो कॉल्ड जो मेरे गोतिया थे वो वापस इन्वॉल्व हो गए मेरे लाइफ में, मेरे पता नहीं कहाँ से फ़ोटो वगैरह लीक हो गया, वीडियो वगैरह लीक हो गया प्रोग्राम का, अब वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए मेरे फ़ोन पे भेज भेज करके कि यही सब कर रहा है, मेरे पिताजी का नाम लेकर के ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है। तो मैं डर गई एक्चुअली में कि अब कितना गंदा लगेगा जब मैं गांव जाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा हिम्मत का काम करता है, तो वक्त बीतते गया और मेरे अंदर भी हिम्मत आते गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लूँ, तो फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे विहान कैरन सपोर्ट प्रोग्राम जो था एचआईवी पेशेंट पे काम करता है उसमें मेरा जॉब लगा यहीं पटना नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स सोसाइटी पीएनपी प्लस में जो जिसका ऑफिस मुसल्लेपुर हाट में था वहाँ पे मेरा जॉब लगा। तो वो एआरटी सेंटर पीएमसीएच के साथ मिलकर काम करना था तो उस हिसाब से मैं जब मेरा जॉब लगा तो मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और भारत की पहली ट्रांसजेंडर काउंसलर बनी मैं क्योंकि इसके पहले कोई ट्रांसजेंडर काउंसलर नहीं थी स्पेशली एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम में। उसके बाद वहाँ से मतलब 2 साल काम करने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मैं फिर आरा चली गई। आरा में मुझे जॉब लगा एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, 2 डिस्ट्रिक्ट देखना था आरा और बक्सर, तो भोजपुर और बक्सर। तो फिर वहाँ से फिर जब मैं निकली तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, मतलब लॉकडाउन तक मैंने काम किया है। तो उसके बाद फिर वहाँ मैंने काम छोड़ा है 2019 फरवरी में, और फरवरी में काम छोड़ने का ये था कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग आ गए थे जो मेरे मतलब उन्होंने गजब सा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन मुझे दिया, फिजिकली नहीं मेंटली, तो उसकी वजह से मैंने छोड़ा। और उसके बाद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन आया, मेरी शादी हुई, भारत और विश्व में पहली बार 15 ट्रांसजेंडरों की शादी हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, गूगल करके आप लोग देख सकते हो मुझे लाइव शादी में। तो वो शादी का मौका मुझे मिला और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक व्यक्ति हैं बहुत ही ख़ास है मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड, उनके साथ मैं शादी की और छत्तीसगढ़ रायपुर में। बड़ा गुड्डा गुड़िया वाला खेल लग रहा था समाज के लिए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक लड़की अपन सपना सजोती है कि शादी होगा, लेकिन कोई ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लोग होते ये सपना ही रह जाता है। लेकिन मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद एक रिग्रेट था कि लड़के के जो माँ बाप रहेंगे पता नहीं मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं, वो भी अच्छा होगी, हाँ उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हो ही गया उनकी फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि लड़का जो था वो उन्होंने मेरे लाइफ को एक अलग ही आईना मुझे दिया है अपना चेहरा देखने का समाज का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे लाइफ में, मुझे मेरा जो एजुकेशन अधूरा रह गया था मास्टर डिग्री करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, साथ ही साथ बहुत सारी गलत जगहों पे जाने से रोकना, प्रतिबंध लगाना, जो काम पापा को करना चाहिए था वो उसने किया है। तो बहुत सारी मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि उसका गवर्नमेंट जॉब हुआ, झारखंड पुलिस में है वो, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ एक्चुअली कि मैंने बोला था कि बाबू हो जाएगा और बस दैट हो गया। तो ये एक और ये था मेरे लिए कि शायद माता ने मतलब जो मैं मांग में सिंदूर मैंने डाला था शायद मेरा माता रानी का आशीर्वाद, क्योंकि शादी के 2-4 दिन तक ये था कि शादी शायद नहीं हो क्योंकि हो सकता है कॉल लेटर, मैंने यही चीज़ बोला मेरा प्यार सच्चा है तो मैं सिंदूर डालूंगी उसके बाद ही तुम जाओगे अपना ट्रेनिंग करने, और वही हुआ। शादी के बाद उसका ट्रेनिंग का कॉल आया और वो ट्रेनिंग में गया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद फिर 2019 में मेरी एक सर्जरी हुई, जो सर्जरी बेसिकली क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को डिफ़ाइन करके रखा हुआ है कि मुझे जो ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय जो लोगों को ट्रेन में या आपके घरों में बच्चे खिलाने के बाद दिखते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद नाचने गाने खिलाने के लिए आते हैं, उनसे मैं अपने आप को अलग नहीं कहूँगी, मैं उसी समुदाय का हिस्सा हूँ, लेकिन मेरा जीवन अलग है, मेरी लाइफ अलग है। आप ये इंटरव्यू भी जो आप देख रहे हो ये इसीलिए है कि मैं क्यों अलग हूँ, आज मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अलग इसीलिए हूँ क्योंकि ये सारे रास्ते मेरे सामने थे, सेक्स वर्क करना, बेगिंग करना, टोली बधाई करना, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं चुना, क्योंकि मेरे पास शिक्षा था। मेरी कम्युनिटी जो काम कर रही है वो गलत नहीं है, वो बेगिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ब्लेस्ड हूँ कि देर से ही सही सरकार जगा और सरकार ने बहुत सारा चीज़ सपोर्ट किया, लेकिन मेरे समुदाय के लोग ऐसे नहीं हैं, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, कहाँ से जॉब करेंगे, तो कहाँ गलत है। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैं एक महिला थी, शादी हो गई थी, तो ये भी प्रेशर था, बच्चा 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 करना है, कैसे बच्चा करना है, अजब सा लगता होगा सुन करके ना कि किन्नर कैसे माँ बनेगी। तो मैं एक ही बात जानती हूँ कि कोई कोक से माँ नहीं बनता है, मातृत्व से लोग माँ बनते हैं, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना।
माओ के लिस्ट में अगर अगर हम पौराणिक चीज़ें भी माइथोलॉजिकली भी उठा करके देखें ना, तो देवकी का नाम नहीं आता है, यशोदा का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान को पाला था। अनुसुईया माँ का आता है, जिन्होंने भगवान को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने स्तन पान करवाया था त्रिदेव को। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ ओवर एंड ऑल कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा, बहुत ख़राब फेस था लॉकडाउन में, कम्प्लीटली जॉबलेस थी, जॉबलेस हो गई थी क्योंकि काम तो छोड़ ही दिया था हरा वाला। लॉकडाउन लगा और उस समय मेरे लाइफ में एक और अपॉर्चुनिटी आया, वो था डेमोक्रेटिक चरखा का। डेमोक्रेटिक चरखा एक न्यूज़ पोर्टल है जिसपे मैंने काम करना शुरू किया एज ए रिपोर्टर, और तब मैं भारत की पहली हिंदी मीडिया रिपोर्टर बनी। और उसके बाद फिर अभी मैं वहाँ भी काम कर रही हूँ, फिर अभी मुझे और भी जगह से ऑफर्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मुझे ऑफ़र आया जो शायद ड्रीम कम ट्रू होता है हर रिपोर्टर के लिए, और अभी तक वो मतलब मैंने कुछ बोला नहीं है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि यू नो मेरे लाइफ में भी कुछ मेरे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी मैं राय लेती हूँ, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग, लेकिन मैं यही कहूँगी अगर वो ये न्यूज़ देख रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, आपने एक ऐसी रिपोर्टर को चुना, एक ऐसी लड़की को चुना जिसके पास कोई जर्नलिज्म का डिग्री नहीं है, बट यस कहते हैं कि काम बहुत बड़ा चीज़ होता है और जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर सब कुछ बदल जाती है। आपको कैसे पता चला कि आप एक ट्रांस वुमेन हैं? जब मैं जैसा मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि जब इन ये सारी चीज़ें चल रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ, इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ नहीं था, जो यौनिक रुझान कहते हैं सेक्सुअलिटी, जब मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन वो फीलिंग तो समझ में आता है ना कि अगर मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैं एक बेटा हूँ, और तो बायोलॉजिकली जो सोसाइटी के नॉर्म्स है मुझे एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई अच्छा लड़का देखती थी तो मुझे लगता था कितना स्मार्ट है, काश मैं इसकी दोस्त रहती, काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड रहती। तो वो अपने आप मेरा मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह तो मैं अभी बोल रही हूँ, उस समय इतना गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं चलता था मेरे दिमाग, मुझे बस अच्छा लगता था अगर वो मुझे स्माइल दे, अट्रैक्शन दे, पैम्परिंग करे थोड़ा, तो वो चीज़ फीलिंग था। तो जब ये चीज़ बढ़ना शुरू हुआ, मतलब लाइक कोई लड़का कुछ बोल दिया तो हर्ट हो जाना, लाइक जैसे एक लड़की होती है, तो वो सब चीज़ें जब बढ़नी शुरू हो गई और जब मेरे घर से प्रताड़ना शुरू हो गई कि ये सब क्या है, तो मैं साइकोलॉजिकली मैंने इस चीज़ को डॉक्टर से कंसर्न किया, और साइकोलॉजिकली जब मेरा काउंसलिंग हुआ तो उन्होंने बोला कि आप दुनिया में अकेले नहीं हो, इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इट मीन्स वॉट कि आपका जो जेंडर है और आप जिस बॉन्ड मतलब आप जिस तरह से पैदा हुए हो और आपका जो रूहा जो मेंटली वो चीज़ है वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टेड हो रहा है, जेंडर डिस्फोरिया हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो लोग बाय बॉन्ड किसी अदर शरीर में होते हैं और साइकोलॉजिकली किसी अदर दिमाग और अलग शरीर में अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो मुझे ये बस पता था कि ट्रांसजेंडर, फिर उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला वर्ड है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि आप मतलब जब मैं गई थी डॉक्टर के पास तो नेल पॉलिश वेयरिंग लिप बाम मैं लगाती थी, लिपस्टिक नहीं लगाती थी क्योंकि मैं एज अ मेल गई थी, कपड़े वपड़े पहन करके बाल बाल बाम करके पूरा एकदम देखने में मतलब लगेगा कि लड़की है पर लड़कों के कपड़े में पूरा, तो अपने आप को हाइड करके, लेकिन हाइड नहीं हो पाता, आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि आप लड़का नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि आपको ये सब क्यों अच्छा लग रहा है, मैंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़कियों की तरह दिखना, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक ट्रांसवुमेन हो। उन्होंने ये भी मुझसे पूछा कि क्या आपको किसी लड़की से कभी प्यार था या कोई गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली का पार्ट, ये जो डॉक्टर होते हैं ये सब क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको वो अच्छे तरीके से वो निकाल सके। तो जब उनको सारे सवाल मेरा कम्युनिकेशन हुआ तब मुझे ये पता चला कि आई एम अ ट्रांसजेंडर एंड आई एम अ ट्रांस वुमेन, आई एम अ ट्रांस गर्ल। तो उसके बाद फिर मैंने सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई बीइंग एज अ ट्रांससेक्सुअल। तो आपके घर में आपके फैमिली को कब पता चला कि आप एक ट्रांस वुमेन हैं? फैमिली को तो एक्चुअली देखते तो वो बचपन से ही थे कि मेरा जो बेटा है वो बेटा नहीं है, बेटियों की तरह रहता है करता है, तो बचपना था, लेकिन मेरे पापा नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे सीरियस तब लेना शुरू कर दिया जब मेरी सर्जरी वगैरह हो गई, या सर्जरी के 6 महीने पहले तक, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2015 की बात कर रही हूँ मैं, 2015 तक।
उनको पता चला, मतलब वो सीरियस लेना शुरू कर दी कि अब वो मजाक और बचपना नहीं चल रहा, अब कुछ और चल रहा। तो आपके फैमिली की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिलने में किसी तरह की परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। लोग कहता है कि एक परिवार में चार भाई, दो गो भौजी, एगो बहन, एगो भाई रहे तभी प्रॉब्लम हो, नहीं। मेरी माँ अकेली सबके लिए काफ़ी थी। मेरी माँ ने जितना मतलब सोशली मेंटली स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन मुझे दिया है, और उसका मेरे जितना मुझे मिला उसका 20 गुना मेरी माँ को मिला है सोसाइटी से। तो मेरी माँ कहीं गलत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि एक ट्रांस, आज मेरा इंटरव्यू आप लोग देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा चीज़ ये है कि मेरा इंटरव्यू से ज़्यादा कहीं अच्छा इंटरव्यू मेरी माँ का या मेरे परिवार सारे ट्रांसजेंडर के परिवार के लोगों का होगा जिन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया है। क्योंकि हम तो जो हैं सो हैं, हम तो गटसी हैं भाई। मुझे किन्नर बोल लो, हिजड़ा बोल लो, छक्का बोल दो, मौगा बोल दो, लौंडा बोल दो, आई हैव अ गट्स देन आई कैन फेस यू। बट मेरी माँ वो नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आपका बेटा तो लौंडा है, आपका बेटा तो हिजड़ा है। नहीं, मेरी माँ हिजड़ा नहीं है, मेरी माँ एक महिला है, मेरी माँ सिर्फ एक माँ है, सिर्फ एक माँ। ठीक है, आप किसी चीज़ को इस तरह से अभद्रता पर नहीं उतर सकते हो कि उसका जो एक विपरीत जो वातावरण होता है उसके अगेंस्ट होकर के आप एकदम गलत सिनेरियो तैयार कर दो, एक गलत कैनवास बना दो मेरी माँ का या किसी भी महिला का। वो सिर्फ माँ है, अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही है। जो भी सवाल करना है मुझसे पूछिए। तो लोग मुझसे नहीं पूछेंगे, ना किसी ट्रांसजेंडर से पूछते हैं, उनको पता है ताली बजने लगेगा, अभद्रता हो जाएगा। लेकिन मैंने ये सब एक्चुअली अपने पड़ोसियों के साथ किया नहीं है अभी तक। वाई? बिकॉज वो लोग थोड़ा सिविलाइज्ड हैं और मैं ब्लेस्ड हूँ। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस तो अभी मैं यही कहूँगी कि 80% मिला है। और अदर कम्युनिटी की बात मैं करूँ तो ये एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से मिलेगा, तब होगा एक्सेप्टेंस। अभी मैं इंटरव्यू कर रही हूँ बीइंग एज ए ट्रांसजेंडर, तो मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगी कि ट्रांसजेंडर लोग तो भगवान एकदम उतार दिए हैं लोग। हम तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, पूरा दुनिया का परेशानी मेरे ही साथ है, हम ही सबसे ज़्यादा अबला हैं, हम ही सबसे ज़्यादा सबला हैं। नहीं, हमसे भी गलती होती है। आप बहुत बार देखते होंगे बहुत सारे लोग अभद्रता करते हैं, साड़ी उठा लेना, नग्न अवस्था में आकर के किसी को ये करना, वो उनका गुस्सा होता है, मैं समझती हूँ। लेकिन समाज का कुछ नियम है कि आप इस तरह की, अगर आप एक महिला का कपड़ा पहने हो तो आप अभद्रता एक हद तक ही कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें जिस दिन बंद हो जाएंगी, वो सारी चीज़ों पर जिस दिन कमांड हो जाएगा, उस दिन अपने आप दोनों तरफ से सोशल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि केवल समाज के द्वारा ही एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, हमारी कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो लोग एक्सेप्टेंस नहीं चाह रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा बदलिए आप, थोड़ा सा बदलेंगे ये ऑब्वियसली हो जाएगा। क्या ट्रांस वेमेन या ट्रांस मैन अपने बॉडी में किसी भी तरह के चेंजेस के लिए मेडिकल प्रोसेस का सहारा लेते हैं? अगर लेते हैं तो वो क्या प्रोसेस है? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि लेते हैं और सहारा सिर्फ शारीरिक जो ढांचा होता है उसको चेंज करने, मतलब आप समझ लो कि बींग एज अ फीमेल ट्रांस वुमेन, मैं जब पैदा हुई तो मैं एक अलग शरीर में थी, मैं गलत शरीर में थी, एक पुरुष जैसे दिखने वाले शरीर में थी जो पूर्ण रूप से पुरुष नहीं दिखता था, लेकिन मैं महिला के शरीर में नहीं थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी कराया। सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है जिसके तहत आप अपने सेक्स ऑर्गन्स को चेंज कर लेते हैं। तो मैंने मेल टू फीमेल कराया था, तो अभी राइट नाउ बायोलॉजिकली भी मैं एक महिला हूँ, बायोलॉजिकली भी मैं एक महिला बन चुकी हूँ। मेरे शरीर का सब, मतलब जो भी ट्रांस महिलाएं जो सर्जरी कराती हैं वो शारीरिक रूप से एक महिला बन जाती हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो अंतर रह जाती हैं, जैसे पीरियड्स होना जो महिलाओं में होता है, हमको कभी पीरियड्स नहीं होता है क्योंकि अभी मेरे पास यूट्रस नहीं है। यूट्रस ट्रांसप्लांट भी होता है, हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है, होप्स आने वाले समय में हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जान रही हूँ जैसे दिल्ली में ऑलमेक है, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक हैं, वो इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो शायद आने वाले 5 साल 2 साल में यहाँ पे भी यूट्रस ट्रांसप्लांट हो। फिलहाल बैंकॉक में होता है यूट्रस ट्रांसप्लांट, अमेरिका में होता है, तो इन सारे जगहों के बारे में। सेम वाइस वर्सा ट्रांसमैन के साथ भी होता है, बायोलॉजिकली वो लड़की जैसे दिखने वाले शरीर में पैदा होते हैं लेकिन वो मेल होते हैं, तो वो भी सर्जरी कराते हैं। पहले टॉप की सर्जरी होती है, फिर बॉटम की सर्जरी होती है, तो वो भी सहारा लेते हैं मेडिकल प्रोसेस का और अपने शरीर को एक पुरुष के शरीर में ढाल लेते हैं। ट्रांस वीमेन के खुद के बच्चे होना पॉसिबल है या नहीं? खुद के बच्चे होना बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप कहिएगा कि कैसे होगा,
तो जब यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन अगर होता है और वो जो प्रोसेस है पूरा जिसमें क्रोमोसोम डाला जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हमारे देश में तो नहीं, अब्रॉड में ये है कि जो महिलाएं बच्चा पैदा कर लेती हैं उनको अब बच्चा नहीं चाहिए, वो अपना यूट्रस डोनेट कर देती हैं ऐसी महिलाओं को या ऐसी ट्रांस महिलाओं को जो माँ बनना चाहती हैं। तो यूट्रस ट्रांसप्लांट कराने के बाद महिला का क्रोमोसोम डाला जाता है, पुरुष का, जैसे फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है अभी के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है फर्टिलाइज करके बच्चा पैदा करने का, वही प्रोसेस होता है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती है उनके लिए, सिजेरियन ही होता है ऑब्वियसली। और एक ट्रांस महिला अगर यूट्रस ट्रांसप्लांटेशन के बाद अगर वो बच्चा करेंगी भी, तो जहाँ तक मुझे पता है कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एक बार तो यूट्रस डलाएगा, फिर बच्चा के लिए वो, फिर तीन बार चीरा लगता है पेट में जहाँ तक मुझे पता है। और ये सक्सेस नहीं है, सबसे बड़ा बात यह है, ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ये 99% चांसेस है कि उसमें कुछ नेगेटिव होगा, 1% चांस है कि शायद वो ठीक हो, तो ये बहुत रिस्की है। दूसरे पे आते हैं जो सबसे इजी है, जो अभी बहुत ट्रेंड में है, वो है सर्वगेसी। मैं तो काफ़ी एग्री हूँ सर्वगेसी से। आपका बच्चा, आपने मतलब देखा होगा शाहरुख खान के जो छोटे वाले बेटे हैं वो सर्वगेट हैं, और वो कितना मतलब देख के बिल्कुल लगता है कि शाहरुख का मतलब फोटोकॉपी निकला है बिल्कुल। तो वो बहुत ही इजीली प्रोसेस है कि आपके क्रोमोसोम को लेकर के, आपके पार्टनर को क्रोमोसोम को लेकर के वो करके फर्टिलाइज करके वो करते हैं, स्किन और ब्लड के थ्रू ये सब किया जाता है अब तो। यस, इट इज़ अ पॉसिबल। और उससे भी बड़ी बात है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लो, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभिभावकों के प्यार को लेकर के महरूम हैं, तो बच्चा अडॉप्ट कीजिए, ये भी बहुत अच्छा। मैं ये बता सकती हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं? अपनी ही कम्युनिटी में शादी करने का मतलब, वो जो आप जिस चीज़ के बारे में पूछ रही हैं मैं बताना चाहूँगी उसको, वो एक्चुअली एक रिचुअल होता है, और वो हिजड़ा जो ट्रेडिशन है हमारा, हिजड़ा जो ट्रेडिशन है, पहले तो मैं बता दूं कि हिजड़ा शब्द क्या होता है। हिजड़ा एक प्रथा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं हिजड़ा नहीं हूं, मैं ट्रांस वुमेन हूं, इस चीज़ को समझ लीजिए। और सारी महिलाएं जो अभी देख रही हैं, सारे पुरुष जो देख रहे हैं, ये चीज़ समझिए कि रोड पर चलने वाला हर व्यक्ति हिजड़ा नहीं होता है, वो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांस वुमेन होते हैं, ट्रांस मैन होते हैं। हिजड़ा एक प्रथा होता है जिसमें गुरु चेला या फिर कोई रीति रिवाज, कोई रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें हम लोग हिजड़ा ट्रेडिशन, हिजड़ा एक परंपरा है जिसको हम लोग संबोधित करते हैं। लोगों के पास अभाव है इसलिए सबको वो हिजड़ा बना दी है। तो हाँ, वो उसमें एक प्रथा होती है जिसमें एक रात के लिए शादी होती है रावण से। मैंने देखा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी ट्रांस वुमेन साथी हैं जो लोग हिजड़ा ट्रेडिशन से बिलोंग करती हैं, हिजड़ा हैं, तो मैंने देखा ये सिर्फ। यस, ये होता है, एक दिन वाली शादी होती है रावण से होती है, वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है। तो ये शादी और जो मेरी शादी जो मैंने अपनी जर्नी में बताई, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि मैंने वही शादी की है जो आपके घरों में होती है। ओवर एंड ऑल ये छोटी सी मेरी जर्नी थी लाइफ की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि सकारात्मक सोच जो होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। थिंक पॉजिटिव तो सब चीज़ पॉजिटिव होगा, और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारा है और अब तक हुआ है। होप सो आगे भी सब कुछ ऐसा ही हो। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच इंटायर यूनिट ऑफ द एक्टिविस्ट। थैंक यू।